हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज आपके लिए एक और शानदार प्रॉपर्टी लेके आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बी लिखा हुआ है। तो हमारा सुशांत लोक 1B ब्लॉक में ये प्रॉपर्टी है, गेटेड ब्लॉक है। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। सामने जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड रहता है 24 घंटे, और सिक्योर्ड लेन है। 300 गज में ये प्रॉपर्टी बनी हुई है और बहुत शानदार काम करवाया हुआ है बिल्डर ने। एलिवेशन से ही आपको आइडिया लग रहा होगा, एकदम यूनिक काइंड ऑफ एलिवेशन मिल जाती है आपको यहाँ पे। उस साइड भी गेट मिल जाता है, यहाँ पे भी गेट आ जाता है, बीच में आपकी 12 मीटर की रोड आ जाती है। एंड देख सकते हैं डार्क ग्रे कलर के जो है हमें यहाँ पे गेट मिल जाते हैं, और यहाँ पे डिज़ाइनर लाइट्स मिल जाती हैं। देख सकते हैं अलग अलग गेट्स मिल जाते हैं हर एक पार्किंग लेन के लिए। एंड तो अलग अलग गेट्स मिल जाते हैं, और ये हमारी पूरी पार्किंग स्पेस आ जाती है। कॉब लाइट्स मिल जाती हैं, फॉल सीलिंग मिल जाती है आपको यहाँ पे LED लाइटिंग के साथ पार्किंग स्पेस में। इस साइड पे हमारे मीटर्स आ जाते हैं। ये भी देखिए हमारा कुछ ऐसी टेक्सचर फिनिश मिल जाती है वॉल पे, और उसी के कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे ये ब्लैक कलर के यहाँ पे लगे हुए हैं इलेक्ट्रिकल पैनल। और मैं पीछे की स्पेस दिखा देता हूँ आपको चल के। पूरी टेक्सचर फिनिश मिल जाती है सारी वॉल्स पे आपको यहाँ पे। और जैसे ही पीछे प्रोसीड करते हैं हम, तो इस साइड पे हमारे सर्वेंट रूम्स आ जाते हैं। हर एक फ्लोर के साथ एक एक सर्वेंट रूम मिल जाता है हमें यहाँ पे। इस साइड पे टैप का प्रोविजन मिल जाता है, और यहाँ पे आ जाते हैं सर्वेंट्स के वॉशरूम। और पीछे से कुछ ऐसी दिखती है हमारी प्रॉपर्टी। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, और मैं आपको बहुत शानदार फ्लोर दिखाने वाला हूँ आज, आपको मज़ा आ जाएगा प्रॉपर्टी देख के। तो ये आ जाती है हमारी लिफ्ट लॉबी की एंट्रेंस। इसमें जैसे ही हम एंटर करते हैं, तो एंटर करते ही ये गेट देखिए, यहीं से ही आपको आइडिया लग जाएगा आपको कैसी चीज़ अंदर मिलने वाली है। बहुत मॉडर्न एंड यूनिक काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है, और गेट भी काफ़ी हैवी मिल जाता है आपको यहाँ पे। एंड आपको अगर वैसे एक्सप्लेन करूँ तो एक सिक्योरिटी बाहर हो गई, एक हमारे गेट पे सिक्योरिटी आ जाएगी, देन यहाँ पे एक और लेवल ऑफ सिक्योरिटी आ गई आपकी, देन आपका गेट पे एक और सिक्योरिटी होगी। तो 4 टायर सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये हमारी वेटिंग लाउंज की जगह मिल जाती है आपको यहाँ पे। कुछ ऐसी पत्थर की फिनिश मिल जाएगी इसमें आपको, शिंडलर की यहाँ पे लिफ्ट मिल जाती है। और स्टेयरकेस में आप देखेंगे तो ब्लैक कलर का यहाँ पे पत्थर की ही फिनिश मिल जाती है आपको, ब्लैक कलर की रेलिंग है। इसके ऊपर आपका जो है वुडन फिनिश आ जाएगी, हैंडल जो आएगा हमारा। यहाँ पे हमारा इन्वर्टर्स के लिए पॉइंट दिया हुआ है। तो चलिए आपको मैं फ्लोर दिखाता हूँ। स्टेयरकेस में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको टेक्सचर फिनिश मिल जाती है। तो ये हमारी एंट्रेंस आ जाती है, ऊपर आपको CCTV मिल जाता है, एंड ये लिफ्ट लॉबी आ जाती है हमारी। मैं आपको जो है फर्स्ट फ्लोर दिखाने वाला हूँ, और वैसे कहीं तो सेकंड फ्लोर है। और देखिए कुछ ऐसी फिनिश आपको जो है वुडन की एंट्रेंस पे मिल जाती है, जैसा मैंने नीचे दिखाया था आपको। फ्लूट फिनिश मिल जाती है इसमें, और ये आ जाता है हमारा एंट्रेंस का गेट। बहुत ह्यूज गेट मिल जाता है, डोर सेट का आपको यहाँ पे लॉक मिल जाएगा। और एंटर करते ही दिस इज अ ब्यूटिफुल होम नाउ। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ तो बहुत हैवी गेट मिल जाता है आपको यहाँ पे। नीचे मैंने डोर फोन कैमराज दिखाए थे आपको, यहाँ पे ये हमारी उसकी स्क्रीन आ जाती है। और सबसे यूनिक, आज तक आपने देखा नहीं होगा वो चीज़, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, शायद ही किसी चैनल पे या किसी भी बिल्डर ने ऐसी फिनिश दी होगी। ये बहुत अलग फिनिश है, एंड कैमरा में मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, सामने आप देखेंगे फिजिकल विजिट पे। तो बहुत शानदार लग रहा है ये जो फिनिश दी हुई है इनने यहाँ पे। टोटल इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है। और एंटर करते हैं हम हमारे ड्राइंग स्पेस की तरफ। ये देखिए नीचे आपका टोटल इटालियन मार्बल फ्लोरिंग आ जाती है। ये देखिए वॉल पे, सारी वॉल्स पे सेम फिनिश मिल जाती है, और ऊपर आपका हैवल साइलेंट प्रो फैंस मिल जाते हैं, ब्यूटीफुल सा शैंडलियर आ जाता है, दो आपको AC मिल जाते हैं। ये हमारा डाइनिंग स्पेस, ये हमारा ड्राइंग स्पेस आ जाता है,
और वॉल पे कुछ ऐसी डिज़ाइंस मिल जाते हैं, एलईडी लाइटिंग मिल जाती है आपको, और जैसा मैंने बाहर दिखाया था वैसा ही डिज़ाइन यहाँ पे भी मिल जाता है आपको, और ऊपर आपको प्रोफाइल लाइटिंग मिल जाती है। एंड जैसे ही आगे प्रोसीड करते हैं तो इस साइड पे हमारी बालकनी आ जाएगी। बाहर थोड़ी सी आवाज़ आ रही है क्योंकि सामने काम चल रहा है इस वजह से, और ये हमारी यहाँ पे टैप आ जाती है। एंड ये देखिए, मतलब बहुत यूनिक काइंड ऑफ चीज़ यहाँ पे यूज़ की हुई है। इसकी टेरेस भी आपको मैं दिखाऊंगा, और सेम जैसा मैंने नीचे दिखाया था ब्लैक कलर की फिनिश सारे में मिल जाती है। ये देखिए बाहर भी जो है आपका अंदर लाइट ग्रेइश कलर है, और बाहर जो आपका ब्लैक कलर में भी सेम फिनिश दी हुई है जैसा कि मैंने अंदर दिखाया था। तो यहाँ से जैसे ही अब हम आगे बढ़ेंगे, एक सेकंड इसे बंद कर देते हैं, तो यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं इस साइड पे आ जाती है हमारी किचन। और किचन में एंटर करने के बाद मैं आपको दिखाऊं तो नीचे आपका टोटल इटालियन मार्बल फ्लोरिंग मिल जाती है। यहाँ पे क्वार्ट्ज का टॉप आ जाता है, नीचे फ्रूट एंड वेजिटेबल बास्केट, यहाँ पे आपका डिश वॉशर के लिए स्पेस दी हुई है, और वॉल पे जो है आपकी टाइल्स की फिनिश आ जाती है, एंड लाइट बेज कलर की आपकी इसमें किचन में जो है फिनिश मिल जाएगी। और डबल बोल सिंक आ जाती है, इस साइड पे हमें फ्रिज के लिए स्पेस दे देते हैं। यहाँ पे हमारी जो है पैंट्री पुल आउट आ जाती है, ये देखिए, और अप्लायंसेस की बात करें तो कैफ के अप्लायंसेस मिल जाते हैं, कैफ की चिमनी, कैफ का हॉब मिल जाता है। और स्टोरेज स्पेस में आपको दिखाऊं तो हेटिंग की मॉड्यूलर फिटिंग आ जाती है सारी हमारी। इस साइड पे विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए, और काफ़ी बड़ी एंड स्पेशियस किचन मिल जाती है आपको यहाँ पे। एंड काम में मेरे हिसाब से बिल्डर ने कोई कमी नहीं छोड़ी है अपनी तरफ से, फिर भी सबकी पर्सनल चॉइस होती है कि उनको पसंद आए नहीं आए, क्योंकि मेरे को ये चीज़ जो है ना बहुत शानदार लग रही है, एंड एक रॉ टाइप ऑफ फीलिंग दे रही है जो काफ़ी लोगों को पसंद आती है। तो इस साइड पे जैसे ही हम प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे हमारी जो है मंदिर की स्पेस दी हुई है, या फिर हम बार काउंटर बनाना चाहें, मंदिर नहीं चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। और इस साइड पे आ जाता है हमारा पहला बेडरूम। पहले बेडरूम में जो है नीचे आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाएगी, वॉल पे कुछ ऐसा डिज़ाइन मिल जाएगा। ये हमारी मैट फिनिश में वार्डरोब आ जाती है। वार्डरोब अंदर से दिखाऊं तो मैं, ये देखिए, एलईडी लाइटिंग मिल जाती है आपको, ऊपर एसी मिल जाता है, ग्रे कलर की वॉल पे फिनिश मिल जाती है, विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए, और इस वॉशरूम का जो है बाहर से भी एक्सेस है अगर पाउडर रूम की तरह एक्सेस करना चाहें तो। ये आ जाता है हमारा वॉशरूम। नीचे आपका जैसा फ्लोरिंग में मिल जाता है, सेम आपका जो है यहाँ पे वॉल पे भी मिल जाता है, और ओजोन की फिटिंग्स मिल जाती हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे सारी। ये हमारा ग्लास पार्टीशन के साथ टफ एंड ग्लास आ जाता है शावर एरिया के लिए। ऊपर आपको रेन शावर मिल जाता है, एलईडी लाइटिंग के साथ यहाँ पे मिरर आ जाता है, क्वार्ट्ज का टॉप आ जाता है, नीचे वैनिटी आ जाती है, जैगुआर एंड ग्रोही की यहाँ पे आपको फिटिंग्स मिल जाती हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब चलिए मैं आपको हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ लेके चलता हूँ। सामने ब्यूटीफुल सा आपको जो है यहाँ पे ग्लास की फिनिश मिल जाती है। यहाँ पे आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। नीचे आपका टोटल इटालियन मार्बल फ्लोरिंग मिल जाती है, वार्डरोब्स यहाँ पे आपकी पूरी आ जाती हैं। ये खोल के दिखाऊं तो मैं, ये देखिए, और स्टोरेज स्पेस जो है ऊपर तक आपकी बनाई हुई है। इसमें एलईडी लाइटिंग मिल जाती है, सेम यहाँ पे भी आपका जो है मैट फिनिश मिल जाती है वार्डरोब पे। इस साइड पे एसी मिल जाता है, ऊपर प्रोफाइल लाइटिंग मिल जाती है, ये देखिए, और यहाँ पे भी देखेंगे तो एलईडी लाइटिंग मिल जाती है जो हमारा सिराना आएगा यहाँ पे। और इस साइड पे आ जाता है हमारा वॉशरूम।
यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ तो सेम यहाँ पे भी जैसी फ्लोरिंग में मिल जाता है वैसे ही वॉल पे भी फिनिश मिल जाती है कुछ ऐसी आपको, और एलईडी लाइट के साथ यहाँ पे मिरर सेम जैगवार एंड ग्रोहे मिल जाता है यहाँ पे भी, और कोट्स का टॉप, नीचे वैनिटी, सामने ग्लास पार्टीशन के साथ शावर एरिया, रेन शार एंड सेम ओजोन की फिटिंग, स्टफ एंड ग्लास, टॉप क्लास कंस्ट्रक्शन की हुई है बिल्डर ने। और यहाँ पे मैं आपको स्पेस दिखाऊं तो एक सेकंड रुकिए, ये देखिए बहुत स्पेशियस वॉशरूम है। और यहाँ से हम जैसे ही आगे प्रोसीड करते हैं तो हमारी आ जाती है पीछे की बालकनी। पीछे की बालकनी में सेम जैसा मैंने बाहर दिखाया था आपको, फ्रंट बालकनी में ब्लैक कलर की फिनिश मिल जाती है। इस साइड पे हमारा टैप एंड एसी के सारे आउटर्स आ जाते हैं, उस साइड पे बाकी तीन आउटर्स आ जाते हैं। और अब मैं आपको हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ लेके चलता हूँ। इस साइड पे आ जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। यहाँ पे आपको ऊपर जो है एलईडी लाइटिंग मिल जाती है सीलिंग में, नीचे आपका टोटल इटालियन मार्बल फ्लोरिंग। पीछे की बालकनी में दिखा चुका हूँ, वॉल पे आपको कुछ ऐसी फिनिश मिल जाती है, देखिए बहुत शानदार लग रही है ये। और इस साइड पे हमारा बेड का सिराना रहने वाला है, और यहाँ पे हमें एसी मिल जाता है। इस साइड पे हमारा ड्रेसिंग एंड वार्डरोब सारी आ जाती हैं, और साथ में वॉशरूम आ जाता है। तो वार्डरोब पे यहाँ पे आपको जो है लेदर फिनिश मिलने वाली है डार्क ग्रे कलर की, और इस साइड पे हमारा आ जाता है ये वॉशरूम। अगेन रेन शार सेम स्पेसिफिकेशंस मिल जाती है, ओजोन की फिटिंग, टफ एंड ग्लास, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इटालियन मार्बल मिल जाता है फ्लोरिंग में। वॉल पे आपको टाइल की फिनिश मिल जाती है, और एलईडी लाइटिंग के साथ यहाँ पे ग्लास मिल जाता है आपको, इटालियन मार्बल का यहाँ पे टॉप, नीचे वैनिटी स्पेस, अगेन इस पे लेदर की फिनिश मिल जाती है वैनिटी में, और बाकी जैगवार एंड ग्रोहे मिल जाता है आपको सेम यहाँ पे। स्पेसिफिकेशन सारी टॉप क्लास हैं इसमें बिल्डर फ्लो में जितनी भी हैं। और एक और चीज़ बताऊँ, सारे फ्लोर्स अवेलेबल हैं इसमें, और अभी ज़्यादा टाइम तक रुकने नहीं वाले हैं क्योंकि जिस हिसाब की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, तो जल्दी से जल्दी मेरे को ना कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि मैं आपको ये ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी फिजिकली विजिट करवा सकूं। तो चलिए हमारे फोर्थ बेडरूम की तरफ चलते हैं। नीचे आपका टोटल इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, प्रोफाइल लाइटिंग, ऊपर एलईडी लाइटिंग के साथ फॉल सीलिंग मिल जाती है। फ्रंट बालकनी में दिखा ही चुका हूँ, और यहाँ पे हमें एसी मिल जाता है, एंड इस साइड पे आ जाता है हमारा वॉशरूम जिसमें हमारी वार्डरोब्स हैं, ग्लास फिनिश है, और यहाँ पे आपको जो है एल्यूमिनियम का फ्रेम मिल जाता है। एंड सेम फ्लोरिंग, सेम वॉल पे फिनिश, एलईडी लाइट के साथ यहाँ पे ब्यूटीफुल सा मिरर मिल जाता है आपको, इटालियन टॉप के साथ यहाँ पे आपकी वैनिटी आ जाती है, जैगवार एंड ग्रोहे मिल जाता है, नीचे अगेन स्टोरेज स्पेस आ जाती है ये हमारी सारी, और ग्रोहे की यहाँ पे आपकी जो है सारी फिटिंग्स मिल जाती हैं। सैनिटरी वेयर सारा ग्रोहे रहने वाला है, बस आपका जो है सिंक जो है हमारी जैगवार की रहने वाली है, और सेम यहाँ पे भी ओजोन और टफ एंड ग्लास एंड आपका रेन शार, फैन, सारी चीज़ें, स्पेसिफिकेशन सारे बेडरूम्स में सेम रहने वाली है। तो चलिए अब आपको मैंने जो है पूरा घर विजिट करवा दिया है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी टेरेस पे। तो ये आ जाती है हमारी टेरेस, लिफ्ट लॉबी, अलग से वाटर टैंक के एक्सेस के लिए गेट, एंड दिस इज आवर टेरेस। तो ये आ जाती है हमारी टेरेस। एंड सीरियसली लोकेशन आपको यहीं से ही समझाऊंगा मैं, बहुत प्यारी लोकेशन है हमारी।
जो प्रॉपर्टी की है। एंड आपको मैं दिखाऊं तो सामने आपको यहाँ पे बार काउंटर मिल जाता है, यहाँ पे आपकी एलईडी लाइटिंग आएगी, ये जो आपको नीचे स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, और टोटल पत्थर का बना हुआ है ये। एंड वॉल पे आपको सारी टेक्सचर फिनिश मिल जाती है यहाँ पे। सामने आपको यहाँ पे प्लांटर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे हमारा परगोला आ जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फुटलाइट्स मिल जाती हैं आपको। उस साइड पे आपको यहाँ पे टैप मिल जाती है। एंड ये देखिए हमारा जो ये टॉप फ्लोर है, इसमें हमारी बालकनी डबल हाइट की रहने वाली है, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। एंड प्राइजिंग भी आपको बताऊं तो बहुत जेन्युइन प्राइजिंग है। इसकी प्राइजिंग के लिए पर आपको मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में पूछना पड़ेगा जब मैं इसकी प्राइजिंग बताऊंगा। सामने हमारा कोर्टयार्ड मैरियट आ जाता है, 5 मिनट में आप यहाँ से जो है गोल्फ कोर्स रोड पे होंगे, 2 मिनट में यहाँ से हुड्डा सिटी सेंटर, इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन, फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल। एंड मैं जूम करके दिखाऊं, ये हमारा हुड्डा सिटी सेंटर है, ये जो आपको दिख रहा है। एंड यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल ग्रासिंग मिल जाती है, इस साइड पे आपको वुडन फिनिश टाइल्स मिल जाती हैं, और पीछे जैसे ही हम जाएंगे तो सीटिंग स्पेस बनाया हुआ है पूरा। ये देखिए यहाँ पे बैठने की जगह है, ये प्लांटर्स की जगह बनाई हुई है पूरी, और यहाँ पे ये टैप दी हुई है, जैसे हमें प्लांटर्स में पानी वगैरह देना है उसके लिए यहाँ पे हमारे सारे प्लांटर्स आ जाएंगे। और इस साइड पे आ जाता है हमारा वॉशरूम एंड पैंट्री, ये अभी लॉक हैं, यहाँ पे हमारे दोनों चीज़ें आ जाती है, वॉशरूम और पैंट्री। एंड बहुत शानदार बनाई हुई है, बहुत जेन्युइन प्राइसिंग है, बाकी गुड़गांव के फ्लोर्स को देख के आप कहेंगे बहुत रीजनेबल आस्किंग है। तो मैं अपनी वीडियो जो है यहीं पे ही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो नीचे मैंने नंबर मेंशन कर दिया है, यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं, तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।